चैप्टर नंबर नाइन है आपका टाइप्स ऑफ पंप और पंप का मतलब है कि इस चीज़ को लिफ्ट करना सो so, जो लिफ्ट करेंगे वो करेंगे हम अपने लिक्विड को या फ्लूड को लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट करने के लिए दो पंप का यूज़ यहाँ बताया हुआ है जो कि फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों का काम सेम है फ्लूड का करना ट्रांसफर इस चैप्टर में आपको दो पंप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है मैं दोनों के थ्रू आपको समझा रहा हूँ डिफरेंस के थ्रू ही मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊँगा सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप की सो सेंट्रिफ्युगल पंप में सबसे पहले डोमेस्टिक पर्पस मतलब अगर हमको डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर पानी को स्टोर करना है या लिफ्ट करना है तो हम सेंट्रिफिगल पंप का ही यूज़ करेंगे सपोज डोमेस्टिक पर्पस में अगर हमारे पास कोई लिक्विड है सो uh, so, अगर मैं आपको उसको टैंक में स्टोर करना है टैंक में अगर मे आपको उसको स्टोर करना है तो हम सेंट्रिफ्युगल पंप का ही यूज़ करेंगे और जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें अगर पानी को स्टोर करना है लिफ्ट करना है तो हम सेंट्रिफ्युगल पंप का सॉरी रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करेंगे दूसरा है आपके पास लेस एफिशिएंसी एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट हमारे जो सेंट्रिफिगल पंप में है जो आउटपुट है वो कम आ रही है कम क्यों आ रही है क्योंकि हम जो सेंट्रिफ्युगल पंप है वहाँ पर जो एर, पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा है जो पावर यानी कि जो आपके पास एनर्जी यूज़ हो रही है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है इनकेस ऑफ साइंटिफिकल पंप सो अगर एनर्जी यूज़ ज़्यादा हो रही है पंप को या फिर पानी को लिफ्ट करने के लिए तो एफिशिएंसी यानी कि आउटपुट निकलेगी कम और यहाँ पर एफिशिएंसी है ज़्यादा रेसिप्रोकेटिंग पम्प में क्योंकि यहाँ पर हम जो पावर कंजप्शन है जो पावर को यूज़ कर रहे हैं वो हम लेस यूज़ कर रहे हैं अगर पावर को लेस यूज़ करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है ज़्यादा सेंट्रफिकल पंप की जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है और रेसिप्रोकेटिंग की जो है कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है मतलब जब हम किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं जो पास सेंट्रिफिकल पंप होगा जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो इजी उसको इंस्टॉल करना होगा उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इजी होगी क्योंकि उसमें कम पार्ट्स का ही यूज़ हो रहा है पानी को लिफ्ट करने के लिए और ऐसे प्रोकेटिंग पम्प क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होगी तो वहाँ पर बड़े लेवल पर ही उसकी कंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में आपको पानी को स्टोर करना होगा इसलिए वो कॉम्प्लेक्स आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी उसके बाद है हाई डिस्चार्ज हाई डिस्चार्ज मतलब हाई डिस्चार्ज इट इज़ यूज फॉर हाई डिस्चार्ज एट अ लो हेड और जब ये लो हेड में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे या पानी को लिफ्ट करेंगे तो उस दौरान जो है मीडियम और मीडियम uh, और और लो प्रेशर वहाँ पर बिल्ट अप होगा जब हम हाई uh, प्रेशर्स को या फिर हाई डिस्चार्ज को लो हेड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का करेंगे यूज़ और यहाँ पर आपके पास लो डिस्चार्ज मतलब इट इज़ यूज फॉर लो डिस्चार्ज एट हाई लेवल और बोल सकते हैं इट हाई प्रेशर्स आर बिल्टअप यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और यहाँ पर आपके पास लो प्रेशर बिल्टअप हो लो या फिर मीडियम प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप होगा जब हम पानी को ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर आपके पास ओनली हाई प्रेशर बिल्टअप होगा और लो डिस्चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं लो डिस्चार्ज एट हाई लेवल बट उस दौरान जो है हाई प्रेशर जो है बिल्टअप होगा और जब हम पानी को ट्रांसफर करेंगे या पानी को लिफ्ट कर रहे हैं तो उस दौरान जो पानी का फ्लो होगा वो जो है स्मूथली फ्लो होगा मतलब स्मूथली या भी कंटिन्यूसली वो फ्लो फ्लो करता रहेगा पानी जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा और इनकेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर इरेगुलर वे में वो पानी जो है लिफ्ट होता रहेगा सेंट्रिफिकल पंप में एनर्जी ट्रांसफ़र का क्या रोल है वो एनर्जी ट्रांसफर में हम क्या होगा कि हम इंपेलर का यूज़ करेंगे ठीक है सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम जो है इम्पेलर का यूज़ कर रहे हैं और इम्पेलर मतलब जो रोटेटिंग पार्ट हम यूज़ करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर उस पंप के अंदर जो हम रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर इंपेलर का यूज़ करेंगे ताकि जो है एनर्जी को हम लिक्विड में ट्रांसफर कर सकें सो एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है इनकेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पम्प हम इंपेलर का यूज़ करें या फिर रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी को हम लिक्विड में ट्रांसफर कर सकें और वैसे ही आपके पास रैसे प्रोकेटिंग पम्प में एनर्जी ट्रांसफर का क्या होगा इसमें हम पिस्टन और सिलेंडर का एक अरेंजमेंट लेंगे ठीक है सेंट्रीफ्यूगल पम्प में हम क्या करेंगे पिस्टन और सिलेंडर का यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी को हम लिक्विड में ट्रांसफर कर सकें उसके बाद है इंस्टॉलेशन इज़ इजी मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी मैं आपको सैंटिफिकल पंप को, को इंस्टॉल करना होगा सो so वो इजी होगा इंस्टॉल करना क्योंकि वो लेस स्पेस में वो लेस स्पेस वो कवर करता है क्योंकि छोटे लेवल पर आपके पास सैंटिफिकल पंप का यूज़ होगा और रेसिप्रो रेसिप्रोकेटिंग पम्प जो है वो लार्ज लेवल पर यूज़ होगा सो so इसकी जो इंस्टॉलेशन होगी वो इंस्टॉलेशन भी कॉस्टली होगी और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो लेस या फिर चीप होगी अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो ये है कि इट इज़ यूज टू लिफ्ट द हाईली विस्कस लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर हम आपको जो हाईली विस्कस लिक्विड है वही सिर्फ ट्रांसफ़र होगा हाईली विस्कस लिक्विड इन द सेंस ऑफ जैसे कि कोई डर्टी वाटर है ठीक है या फिर ऑयल है या सीवेज का वाटर है अगर उसको लिफ्ट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे या फिर हाईली विस्कस लिक्विड ही हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें हम लेस विस्कस लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे इनकेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप लेस विस्कस इन द सेंस ऑफ सिंपल वाटर अगर आपके पास होगा सो सिंपल वाटर को ये लिफ्ट करेगा रेसिप्रोकेटिंग uh, पंप उसके बाद नोइस की बात करें तो साइंटिफिकल uh, पंप में जो नोइस का है वो वहाँ पर लेस नॉइस जो है वहाँ पर जनरेट होगी और यहाँ पर हाई नोइस जनरेट होगी इनकेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप न नेक्स्ट है वर्किंग वर्किंग स्पीड डे इज़ हाई यहाँ पर वर्किंग स्पीड जो है वो हाई होगी और यहाँ पर वर्किंग स्पीड जो है वो लेस रहेगी क्योंकि ये लार्ज लेवल पर है और ये स्मॉल लेवल पर है तो यहाँ पर वर्किंग स्पीड जो है वो हाई है और यहाँ पे वर्किंग स्पीड वो लो है लेस स्पेस जो कि हम ये सेंट्रीफ्यूगल uh, पंप जो है डोमेस्टिक पर्पस या फिर घर के लिए ही यूज़ करते हैं सो so, वो लेस स्पेस कवर करेगा और ये ज़्यादा स्पेस कवर करेगा क्योंकि ये फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा सेंट्रीफ्यूगल पम्प और ये डोमेस्टिक पर्पज़ यानी फिर घर के लिए ही ये सैंटिफिकल पम्प का यूज़ होगा सो so, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन आएगी या वर्किंग आएगी इन पॉइंट्स को याद रखो और इनके थ्रू ही आप बता सकते हो कि किसका काम क्या है कंस्ट्रक्शन में आपने सिंपल बताना है कि दोनों को इंस्टॉल करने के लिए हमारे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम स्पेस की ज़रूरत है यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे दोनों को काम सेम है पानी को स्टोर करना या फिर पानी को लिफ्ट करना ठीक है डोमेस्टिक परपज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है और बाकी पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुके हैं और ये क्योंकि डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है सो साइंटिफिकल पंप जो है वो लेस बेड का होगा और ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो हाई बेड का होगा